मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप लोगों के लिए आने जा रहे हैं एक और रेसिपी जो कि चिकन की रिक्वेस्ट है। देखें, आप लोग काफ़ी दफ़ा कहते हैं कि चिकन की हांडी मैं ज़्यादा बनाती हूँ और गोश्त की कम या वेजिटेबल्स की, तो देखें जिस तरह जो रिक्वेस्ट आती है उसके साथ साथ पूरी करते हैं। काफ़ी बहनें बच्चियाँ ये मुझे लिटरली कहती हैं मैसेजेस में प्राइवेटली कि गोश्त बहुत महंगा है तो चिकन में ट्राई करवा दीजिएगा या सब्ज़ियाँ या दालें। तो जिस तरह रिक्वेस्ट आती है मेरी खुशी होती है कि आप लोगों को वो साथ साथ दिखा सकूँ। ये भी आज रिक्वेस्ट पर है तो प्लीज़ बे विद मी और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हर रेसिपी का जायका अपना होता है, चाहे वो चिकन हो चाहे गोश्त। नॉट फॉरगेटिंग, चिकन अगर मैं बना रही हूँ तो आप उसको गोश्त में भी बना सकते हैं, ठीक है। तो सिंपली इसका जो नाम है ये है बोनलेस दम पुख्त मलाई, ठीक है। इसके लिए मेरे पास बोनलेस चिकन है यहाँ पर 1 kg। हमने इसकी करनी है यहाँ पर मैरिनेशन। तो इसमें सबसे पहले आप डालेंगे जो कि दही है, तो आपको चाहिए होगी 1 कप जितनी दही। क्रीम घर की भी डाल सकते हैं या फिर पैकेट की, व्हिपिंग, डबल कुकिंग, जो आपको आसानी से मिल जाए, 3 tablespoons भरकर है। स्वीट चिली सॉस, ये वो सॉस होती है जो आप स्प्रिंग रोल वगैरह के साथ में खाते हैं, मीठी वाली स्वीट चिली सॉस होती है ये। ये आपको चाहिए इसके लिए 1.5 tablespoons। अदरक और लहसुन का पेस्ट बीच में जाएगा, 1 tablespoon भरकर है। हरी मिर्चें 4 अदद, आपने इनको यूँ चॉप कर लेना है। भुना और कुटा ज़ीरा आपको चाहिए 1.5 teaspoons। भुना और कुटा धनिया 1.5 teaspoons है। नमक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 1.5 teaspoons, आपको हमेशा बताती हूँ, कम या ज़्यादा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकते हैं। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी इसमें 1.5 teaspoons दोबारा। सब्ज इलायचियों का पाउडर 1/2 teaspoon है। गरम मसाला, ये मेरा होममेड है, 1 teaspoon। जायफल 1/4 teaspoon है, 1/4, और जावत्री 1/4 teaspoon, ठीक है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसे कवर करके आप फ्रिज में रख देंगे तकरीबन 1 से 2 घंटे के लिए। अगर आप चाहें आप इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अगले दिन कोई दावत है तो आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं। बहुत मज़ेदार बनता है, सिंपल है, तमाम चीज़ें बीच में चली गई मैरिनेशन की, इसको रखते हैं 2 घंटे के लिए और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब 2 घंटे बाद आप लेंगे एक हांडी, उसमें आप डालेंगे तेल, घी जिसमें आप इसको बनाना चाहते हैं, लेकिन ये मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। यहाँ पर मेरे पास है 1/2 cup जितना, और यहाँ पर मैं मक्खन इसमें इस्तेमाल करूँगी, रफली अबाउट 40 grams है मेरे पास। तो मक्खन को अच्छे से बीच में मेल्ट हो जाने दें और उसके बाद आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पर मक्खन मेल्ट हो जाने के बाद आप इसमें डालेंगे ग्राइंड किया हुआ प्याज। तो 1 kilo चिकन के लिए मैं यहाँ पर 2 बड़े साइज़ के प्याज इस्तेमाल कर रही हूँ, आप 2 दरमियाने भी कर सकते हैं, डिपेंड्स आपको मसाला कितना चाहिए, ठीक है। तो ये 2 बड़े प्याज चले गए बीच में, और आपने इसको यहाँ पर हाई फ्लेम पर बेसिकली इतना फ्राई करना है कि प्याज का रंग आप देखेंगे बादामी सा हो जाता है, फिलहाल बिल्कुल वाइट था। तो इसको अच्छे से यहाँ पर फ्राई हो जाने दें और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। प्याज यहाँ पर जो है सुनहरे रंग की तरफ आ गई, हल्की सी बादामी हो गई, ठीक है। इसमें आप ऐड करेंगे जो कि हमारा मैरिनेटेड चिकन है, तमाम चिकन को ऐड कीजिएगा और जितना भी बीच में बोल में मसाला है एक्स्ट्रा वो मेक श्योर कीजिए कि आप बीच में ऐड इन कर लें, क्योंकि इसमें मेजरमेंट्स हैं सारी। तो ये चला गया, इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स करते हैं। मिक्स कर लेने के बाद यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पर आपने थोड़ा सा बेसिकली फ्राई करना है इसी मसाले में कि चिकन का कलर जो है पिंक से वाइट की तरफ आ जाएगा, और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब आप इसमें डाल देंगे 1 cup जितना पानी। हमेशा की तरह आपको बताया है कि आप इसको वेट करेंगे हाई फ्लेम पे, जैसे इसमें एक जोश आएगा आप इसे कवर करेंगे और लो टू मीडियम पर रख इतना कुक करेंगे कि चिकन आपकी डन हो जाए, तेल मक्खन जो है वो दोबारा सरफेस पर आ जाए और चिकन आपकी टेंडर हो जाए। तो इसको यहाँ पर तैयार हो जाने देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर चिकन तैयार हो गई, अब आप इसमें डालेंगे बिल्कुल 1 teaspoon जितना कसूरी मेथी मसल के डालेंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसे कर लेते हैं अब हम यहाँ पर डिश आउट। इसी हिसाब से इसे बनाते हैं और अब इसको सर्व करेंगे, गर्मा गर्म पराठे हों या फिर घर की रोटियाँ,
तंदूर की रोटी सब इसका मज़ा आता है। तो चॉइस आपकी अपनी है, ठीक है, ज़रूर बनाइएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी मिलती है आपको इंग्लिश में, वो है मेरी वेबसाइट पर विच इज़ cookwithfaiza.net पर। और उम्मीद है कि आप लोगों ने मेरी ऐप जो कि फ्री है वो भी डाउनलोड कर ली होगी, तो ज़रूर बनाइएगा, बताएं आपको कैसा लगा। दुआ में याद रखें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएँ, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएँ।